एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज का टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी वेट लॉस के ऊपर ही वीडियो हमारी बन रही है। और जिन जिन लोगों को वेट लॉस करना है तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करें। स्किप करने से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप मिस कर देते हो और फिर आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछते हैं। तो प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और आपको अपने वेट लॉस करने के लिए कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, कुछ सुबह की आदतों को बदलना होगा। पहली आदतों में से एक ये है कि सुबह उठने के साथ आपको लेना होगा गर्म पानी। और आप जो देख रहे हो ना, ऐसे में बैठ के पानी पी रहे हो कुकड़ुक होके, तो इस तरीके से आपको पानी पीना है। तो जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे स्टार्टिंग टाइम में थी ना, तो मैं ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। तो अभी मेरे साथ उतना प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी कभी चीज़ें मिस कर जाती हूँ, बट आप लोग को मोटिवेट करने के लिए इस तरीके से प्रॉपरली वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, डेली ही शेयर करूँगी। सो गाइज, यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ लंच। इनको सुबह सुबह ड्यूटी जाना है और इन्होंने बोला मैं नाश्ता लेके नहीं जाऊँगा। वैसे भी ये रोटी वगैरह बहुत कम ही ले जाते हैं, क्योंकि ऑफिस वगैरह में इन लोगों का खाना हो जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूर ले जाते हैं। तो मैं बहुत हेल्दी हेल्दी चीज़ें सबको देना पसंद करती हूँ। तो थोड़ा सा कट कर दिया है मैंने पपाया, और थोड़ा सा दिया है मैंने स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मैं डेली ही भिगोती हूँ, आप डेली स्प्राउट्स भिगोया कीजिए, क्योंकि देखो चना और मूंग दोनों ही सस्ता है, इसमें से कोई चीज़ें भी कॉस्टली नहीं है। तो दोनों ही आप फुला के हमेशा रखिए, क्योंकि स्प्राउट्स अगर आपके पास रहेगा और उसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखोगे तो वो 3-4 दिन आराम से जाता है। तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, पिजली खा सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे मेरा पैक हो गया लंच, अब मैं इनको देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 6:30 का और इनको 6:30 में ही निकलना था। तो पपाया दिया, ड्राई फ्रूट्स दिया और थोड़ा सा स्प्राउट्स दे दिया मैंने, तो ये लेके लंच चले गए थे। और फिर मैंने गर्म पानी वगैरह पी लिया था। तो ड्यूटी जाने वाले लोग जब चले जाते हैं तो फिर खाने का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि खाने वाला होता ही कौन है। तो उस दिन मैं ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ। सुबह सुबह अगर ये ड्यूटी चले जाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ और मैं अपने वर्कआउट वगैरह सुबह सुबह कर लेती हूँ। तो इनके ड्यूटी जाने के बाद बाबू अभी सोया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो पहले वर्कआउट कर लेते हैं। और वर्कआउट मैं अगले फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए टमी ट्रिमर वाली वर्कआउट, क्योंकि मुझे टमी ट्रिमर वाली वर्कआउट ही करनी है गाइज। जिन जिन लोगों को एक कमेंट्स आया था मुझे कि क्या आर्म्स फैट इससे जाता है क्या, तो यस डियर, बिल्कुल अच्छे से आर्म्स फैट हमारा इससे लूज़ होता है, क्योंकि मैंने अपना आर्म्स फैट भी लूज़ किया। हालांकि अभी टमी ट्रिमर मुझे यूज़ करते हुए करीब 4 से 5 महीने हुए हैं, और ये 4-5 महीनों में मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो मुझे ये टमी ट्रिमर वाली वर्कआउट करना ज़्यादा पसंद है। सो टमी ट्रिमर के साथ वर्कआउट कीजिए, या फिर अगर आपके पास टमी ट्रिमर नहीं है तो आप ऐसे भी वर्कआउट कर सकते हो, या फिर योगा कर सकते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। और अगर आपका ओवर वेट है तो थोड़ा आपको हैवी एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है, थोड़ा 20-25 मिनट आप डेली दीजिए। शुरुआती के टाइम में हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और मन चाह वेट लॉस अगर आपको करना है तो कुछ चीज़ें, कुछ लाइफ को अपनी चेंज करनी होगी, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करनी होगी। मुझे ना वीडियो बनाते बनाते अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी, मतलब एक आदत सी बन गई है। वीडियो रिकॉर्ड करते 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 है ना, मेरी लाइफ स्टाइल ना एकदम ऐसे ही हो गई है प्रॉपरली। अब मैं कुछ खाती ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आप लोग के साथ मोटिवेशन वाली वीडियो शेयर करती हूँ तो फिर मैं चीट कैसे कर सकती हूँ। मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, फास्ट फूड तो मेरा मतलब कितना दिन हो गया खाए हुए, मुझे याद भी नहीं है। तो इस तरीके से मेरा वर्कआउट हुआ कंप्लीट। और यहाँ पे अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरा वेट और मेरा इंच कितना लॉस हुआ है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ढीला टी शर्ट पहना हुआ है इसलिए, तो मेरा बेली, मेरा कमर मतलब एकदम स्लिम है गाइज, एकदम स्लिम ट्री। और ये चीज़ें देख के मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मेरा भी वेट बहुत बढ़ गया था, जो कि मुझे देख के इतना गिल्ट फील होता था ना कि मेरी बॉडी इतनी गंदी हो गई है कि मैं मनचाह अपना कपड़ा ही नहीं पहन सकती। सो वर्कआउट हो गया, गर्म पानी वगैरह पी लिया है, घर में झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा दिया हुआ है। और अब आ रही है हमारे ब्रेकफास्ट की, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो देखो आज एक और ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, तो ये एक डाइट ही है। पपाया अगर हम बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं ना, मतलब एक
प्लेट भर के, एक पपाया में अगर हम हाफ पपाया खा लेते हैं तो मेरा तो पेट फुल हो जाता है। पता नहीं आपका होता होगा या नहीं, या अगर इसके बाद भी अगर आपको भूख लगता है तो मैं आगे एक और ऑप्शन दिखाने वाली हूँ, आप देख लेना। बट मैं अगर अच्छे तरीके से पपाया खा लूँ तो फिर मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरा पेट भर जाता है। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ पपाया। और अभी और एक चीज़ और गाइस, मुझे ना पपाया एकदम पका हुआ पसंद नहीं है, थोड़ा आधा कच्चा और आधा पक्का जो होता है ना उस तरीके से, मतलब इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एकदम से पका हुआ पपीता पसंद है, बट नहीं, मुझे इस तरीके का पपीता पसंद है। तो देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है, और इतना पपीता, ये एक पपीते का हाफ पपीता है, तो इतना पपीता अगर मैं खा लेती हूँ ना पपाया, तो फिर मुझे इसके बाद भूख नहीं लगती और मैं बहुत आराम से 2 घंटे तो फिर रह ही जाती हूँ। अगर मुझे बीच बीच में भूख लगती है ना, तो आप पानी पीते रहा करो, जितना आप पानी पियेंगे ना उतनी ज़्यादा आपको भूख ख़त्म होती है, ओवर वेट से बचेंगे, ठीक है। तो ये देखो मेरा ऑल टाइम स्प्राउट्स मेरे पास एनी टाइम रहता है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता जो मेरे पास स्प्राउट्स ना हो, क्योंकि अगर मैं कभी बिजी हूँ, कुछ बनाने का मन नहीं किया, तो फिर मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं क्या खाऊँ, मैं तुरंत प्याज टमाटर ये सारी चीज़ों को कट करती हूँ और फिर अपना आराम से खा लेती हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं इन्जॉय कर रही हूँ पपाया विथ 32 बार फॉर्मूले के साथ। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि डियर आपने 32 बार नहीं किया, मैं हमेशा ही 32 बार करती हूँ, वैसे मुझे इसकी उतनी अब ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि करूँ। और उस दिन मुझे बाबू के स्कूल जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना नाश्ता फिनिश करके खा के चली गई थी, इसकी वजह से आपने मुझे ऐसा कमेंट किया। सो सॉरी, आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो सारी चीज़ें अगर ध्यान से देखते हो तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही बतानी चाहिए, तो थैंक यू। और यहाँ पर मैं इन्जॉय कर रही हूँ अपना पपीता। सो गाइज नाश्ता हो गया हमारा कंप्लीट और मेरा चालू है सफाई अभियान। ये तो मेरा डेली का ही काम है, पता नहीं क्यों सभी लोग ऐसा करते हैं या मैं ही करती हूँ, मेरा तो एकदम मन ही नहीं मानता। अगर मेरा कोना कोना गंदा हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है मुझे, मतलब चारों तरफ एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो बस लग गई थी शांता भाई बन गई थी, क्योंकि जब खाना बनता है ना तो जो ऊपर में ऐसे भाप निकलता है ना, तो सारा टाइल्स ना एकदम ऑयली ऑयली सा हो जाता है, वो चिड़चिड़ करने लगता है और देखने में भी बहुत गंदा लगता है। तो बस मैं चढ़ गई थी टाइल्स के ऊपर और लग गई थी सफाई में सारी चीज़ों को साफ। देखो घर साफ सुथरा रहता है ना तो बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। और मुझे तो खास करके सफाई में, मतलब बारीकी से सफाई पसंद है भाई, मतलब मैं जैसे तैसे काम अपना नहीं कर सकती हूँ, नहीं करूँगी चलेगा। मैं थोड़ा जिस दिन मेरा मूड नहीं करता है ना, या जिस दिन कभी मुझे आलस आ जाता है, तो मैं एकदम से ही नहीं करती हूँ, बस शॉर्टकट खाना वाना बनाया छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर सफाई करूँगी ना तो प्रॉपरली, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी ऐसे ऐसे धड़बड़ धड़बड़ कुछ भी कर दिया, नहीं, मेरा काम एकदम नीट एंड क्लीन होगा। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। गाइज मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जितने भी यूट्यूबर होंगे ना, इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे, भले ही हमारे अभी पेमेंट नहीं आता है, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन ये एडसेंस पिन हमारे लिए ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। सो लंच टाइम में मैंने खाया था सिर्फ दाल और चावल बस। और वेट लॉस के लिए ऐसा मत सोचना कि मैं दोपहर का लंच ही ना करूँ, नहीं, दाल चावल रोटी भर पेट खाओ, लेकिन 32 बार चबा चबा के खाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बता रही हूँ कि लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंज लाइए और मन चाहा वेट लॉस कीजिए। तो गाइज ये है रात का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू और बैंगन की सब्जी बना रही हूँ, बिल्कुल लेस ऑयल सब्जी होती है हमारी, मतलब हमारी सब्जी के ऊपर आप मतलब ऐसे तेल नहीं देखोगे, बहुत कम तेल मसालों से मैं सब्जी को बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह बना रही थी और बारिश 2 दिन हुई थी, तो थोड़ी बहुत तो मतलब मौसम ठंडा था, बट वापस से फिर गर्मी लगने लगी एकदम, क्योंकि जब तक लगातार बारिश नहीं होगी ना, मौसम में ठंडापन नहीं आएगा। और देखो वेट लॉस का दो ही टाइम बहुत ये होता है, एक तो ब्रेकफास्ट सुबह का खाना और दूसरा रात का खाना, ये जो हमारा होता है ना बहुत मेन होता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि रात को जब हम सो के उठते हैं तो हमारा पेट खाली होता है, तो सुबह सुबह हमें अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और जो रात का समय होता है ना, वो अगर आप हेवी खाना खा के सो जाओगे तो फिर आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो रात में और सुबह में बहुत ध्यान देना पड़ता है। बाकी जो बीच का टाइम होता है ना आपका, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कुछ खा भी लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना और मैं पानी बहुत ही ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ज़्यादा। वैसे भी गर्मी है तो प्यास तो लगती ही है, लेकिन मैं वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो सब्जी वगैरह बना लिया था, फिर रोटी बना लिया था मैंने, और रोटी वगैरह ये सब कुछ बनाने के बाद यहाँ पे बर्तन धो ले रही हूँ, और बर्तन वगैरह धो के और फिर खाना खा लूँगी, उसके बाद वॉकिंग करने के लिए जाऊँगी। तो चलिए गाइस लगा लेते हैं खाने का प्लेट। तो ये है वेट लॉस थाली, नॉर्मल थाली नहीं है। जिन लोगों को बहुत भूख लगती है वो इस थाली से उनका पेट नहीं भरने वाला है। तो ये है वेट लॉस थाली। वेट लॉस थाली में लेने हैं एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वेट रोटी ही खाना है, आप दो रोटी भी खा सकते हो। मैं आज थोड़ा सा अटरम सटरम चीज़ें खा ली हूँ जिसकी वजह से मुझे भूख नहीं लगी है, वरना आप दो रोटी भी खा सकते हो। किसी के कहने पे नहीं जाना कि रात को एक रोटी ही खाना है, नहीं, आप दो रोटी भी आराम से खा सकते हो। तो यहाँ पे एक रोटी ले लिया है मैंने, और रोटी के कर ले रही हूँ छोटी छोटी बाइट, और एक बाइट को आपको चबाने हैं 32 बार, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया है मैंने छोटी छोटी बाइट, और एक बाइट को अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि 32 बार फरबूले को करते कैसे हैं। तो ये देखो, ये रहा मेरा छोटा सा बाइट, और इसको लूँगी अब मैं मुँह में, और इसको एकदम आराम आराम से चबाऊँगी। देखो, एकदम धीरे धीरे 32 बार। 32 बार चबाने का इन द सेंस ये होता है कि खाना जो है ना आपके मुँह में एकदम घुल जाना चाहिए, एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाना चाहिए। तो ये खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, और यकीन मानना आपका एक से दो रोटी में ना पेट भर जाएगा अगर आप इस तरीके से खाओगे। ये कहने की बात नहीं है कि एक रोटी में किसका पेट भरता है, भरता है, आप खा के देखना, आपका दो रोटी में तो एकदम से पेट भर जाएगा। इस तरीके से चबा चबा के अगर आप खाओगे ना तो एकदम से आपका पेट भर जाएगा। तो देखो, अब मैं इस तरीके से 32 बार फॉर्मूले के साथ रोटी चबा चबा के खा रही हूँ। सो गाइस, खाना वगैरह खाने के बाद मैं चली गई थी नीचे 10 मिनट के लिए वॉकिंग करने के लिए। बिना वॉकिंग किए मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि रात का खाना खाने के बाद आपको वॉकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वॉकिंग करने से होता क्या है कि खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, और बॉडी में थोड़ा मूवमेंट देनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हम आ गए थे वॉकिंग करने। सो गाइस, नीचे से वॉकिंग करने के बाद आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने चढ़ाया दूध। दूध बाकी सारा दूध मैंने फ्रिज में रख दिया था, और जितना मुझे दूध पीना था उतना ही बस बाहर निकाल के रखी थी। तो रात में सोते वक्त मैं थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ अगर भूख लग जाती है तो, और यहाँ पे ले रही हूँ मैं हल्दी वाला दूध। तो यही टिप्स को अपना के आप अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं, और इसी के साथ मेरा डाइट होता है समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, और आज का पूरा डाइट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ओके, टाटा बाय बाय। ये है हमारी लाइफ स्टाइल, इन्हीं चीज़ों को चेंज करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।